प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। भाजपा और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रही है। इस दौरान संबित पात्रा ने 4 जनवरी 2022 को ये ग्राफिक ट्वीट किया। इसमें साल 2017 के पहले सपा कार्यकाल और 2017 के बाद योगी कार्यकाल की बताते हुए तीन तीन तस्वीरें शेयर की गई है। संबित पात्रा ने ये ग्राफिक फेसबुक पर भी पोस्ट किया। इन तस्वीरों के जरिए कहा जा रहा है कि सपा के कार्यकाल में स्कूलों की स्थिति बदतर थी। आइए जानते हैं इन तस्वीरों की असलियत क्या है। ऑल्ट न्यूज ने इस दावे की हकीकत जानने के लिए साल 2017 से पहले की बताई गई तस्वीरों की छानबीन शुरू की। पहली तस्वीर को गूगल लेंस की मदद से सर्च करने पर हमें अमर उजाला का 7 जनवरी 2021 का आर्टिकल मिला। आर्टिकल में ये तस्वीर जफरपुर गाँव के स्कूल की बताई गई है। रिपोर्ट में और भी कई प्राथमिक स्कूलों की जर्जर हालात के बारे में बताया गया है। दूसरी तस्वीर को गौर से देखने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इसके नीचे 8 अगस्त 2018 की तारीख और 10:25 का टाइम दिया गया है। आगे रिवर्स इमेज सर्च के जरिए हमें ये तस्वीर 8 अगस्त 2018 के उत्तरप्रदेश.org के आर्टिकल में मिली। ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के अमानपुर प्राथमिक स्कूल की तस्वीर है। तीसरी और आखिरी तस्वीर की जांच करने पर हमें 17 दिसंबर 2020 का न्यूज अड्डा का आर्टिकल मिला। आर्टिकल में ये तस्वीर कुशीनगर के सुकरौली में हेडा पडरी क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल की बताई गई है। आर्टिकल में लिखा है कि स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे अफसर को स्कूल के दरवाजे पर ताला लगा हुआ मिला था। शिक्षक की गैरहाजिरी के कारण स्कूल बंद था। यानी संबित पात्रा ने जो तस्वीरें सपा शासन की बताकर शेयर की वो असल में योगी सरकार के कार्यकाल की ही है। अब बात करते हैं 2017 के बाद की, यानी योगी कार्यकाल की बताकर शेयर की गई इन तस्वीरों की। ये तस्वीरें योगी शासन के वक्त की ही है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और भाजपा उत्तर प्रदेश के को इंचार्ज वाई सत्या कुमार ने 3 जनवरी को ये तस्वीरें ट्वीट की थी। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल का बताया था। ट्विटर यूजर आर्यन मिश्रा ने भी ये तस्वीरें बुलंदशहर के सरकारी स्कूल की बताकर शेयर की थी। ट्वीट थ्रेड में शेयर की गई एक तस्वीर पर सरला ठकराल एस्ट्रोनॉमी लैब लिखा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में एस्ट्रोनॉमी लैब बनाई जा रही थी। इसके तहत कई स्कूलों में लैब बनाई गई है। यानी संबित पात्रा द्वारा शेयर की गई सभी तस्वीरें साल 2017 के बाद की ही है, चाहे वो स्कूल की खस्ता हालत दिखाने वाली तस्वीरें हो या फिर स्कूल में शुरू की गई एस्ट्रोनॉमी लैब की। यहां साफ हो जाता है कि इनमें से एक भी तस्वीर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के वक्त की नहीं है। यानी भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सपा की आलोचना करने के लिए जिन खराब स्थिति वाली स्कूलों की तस्वीरें शेयर की वो असलियत में भाजपा शासन के वक्त की ही थी।